आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये चार प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समित शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। एक वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002737 8, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रुपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रुपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई मुंगबली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। स्वर्गीय श्री अतिवीर जी जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन, पुत्री दीपाली जैन, शेफाली जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, दामाद श्री चक्रेश जैन, श्री मनोज जैन, श्री योगेंद्र जैन, नई दिल्ली। श्री बुद्धमल जी, सलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि। श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, समस्त परिवार, अजमेर। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4। पिता सुनील कुमार पाटौदी, माता संगीता देवी पाटौदी, पुत्र सन्नी एवं विवेक पाटौदी, पुत्र वधु प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार, कतरास। श्री अनिल जैन, सिकंदरा। सुशीला देवी जैन, कटक। पांड्या परिवार, देह, जिला नागौर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी, पुत्र श्री फूलचंद जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री कल्याण मल पांड्या, श्रीमती गुणमाला देवी।
श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी, पौत्र पौत्र वधु श्री पवन पांड्या श्रीमती प्रमिला, श्री देवेंद्र पांड्या श्रीमती संगीता, श्री मनोज पांड्या श्रीमती रश्मि, पर पौत्र पर पौत्री चिरंजीवी अभिनंदन, चिरंजीवी प्रवीण, कुमारी नीलम, कुमारी पुलपुल, कुमारी इंदु। प्रतिष्ठान सुगन चंद फूल चंद पांड्या, डेह जिला नागौर राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों से। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं। जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। आदमी सारा धन संपत्ति कमाता है, लेकिन अफसोस है कि वो धनवान नहीं हो पाता है। धन की तिजोरियां भरी होती हैं, लेकिन आदमी बहुत दरिद्री होता जाता है। जितना जितना धन उसका बढ़ता है, उतनी उतनी दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। क्योंकि दरिद्रता वो नहीं है जो कि पैसों का अभाव होना। पैसे अभाव हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मन से दौलत होना चाहिए। आदमी ने दौलत बहुत कमाई है, लेकिन दिल बहुत छोटा कर लिया। मकान बड़े, दिल छोटा हो गया। सामान ज़्यादा, इंसान कम हो गया। आज बड़ी दिक्कत की बात है, लोग कहते खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो। मैं कहती हूँ ना खाली हाथ आते हो ना खाली हाथ जाते हो। बस ये जीवन में कुछ उम्मीद लेकर आते हो, निराश होकर चले जाते हो। भले ही बच्चों की मुट्ठियाँ बंद हों, लेकिन मैं कहती हूँ वो बंद मुट्ठियों में कुछ संभावनाएँ लेकर आते हैं। बंद मुट्ठियों में परमात्मा की संभावनाएँ उनके अंदर, कि परमात्मा भी बन सकते हैं वो। लेकिन आदमी तो खाली हाथ चला जाता है। कितनी उम्मीदें लाया था, कोई बुद्ध बन जाता है, कोई महावीर बन जाता है, और कोई आतंकवादी और हिटलर बनकर मर जाता है। क्योंकि बनने के लिए जो चाहो वो बन सकते हो, लेकिन तुमने यदि कुछ होने की कसम खाई तो विनाश करोगे और अपना विनाश करोगे। मौत के समय क्या जाता है आदमी के साथ? सिर्फ एक पछतावा और एक अफसोस और एक दुख भरी जिंदगी। आपने देखा होगा दो तरह के लोग जीते हैं। एक वो जीते हैं जो नहीं मिला तब भी बहुत खुश हैं, क्योंकि धन दौलत सोने चांदी से यदि पेट भरता तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। वास्तव में कफन में जेब नहीं होती है, लेकिन आदमी आखिरी दम तक बड़ा अशांत, विक्षिप्त, दुखी, चिंता, जब तक देखो जब तक जीता है कहता है कुछ करना है। क्या करना है? कोई मकान बनाना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई बच्चों की शादियां करनी है। ध्यान रखना, तुम्हारे बाद भी बच्चे शादियां कर लेंगे, तुम्हारे रहते हुए भी बिना पूछे कर लेते, क्या कर लेते हो? ये राग रंग के काम हैं, वासनाओं के काम हैं, तुम्हारे बिना भी हो जाएंगे उनके। दुकानदारी है, अरे जानवर भी पेट भर लेते हैं, तो फिर तुम्हारे बच्चे के इतने पुण्यहीन हैं जिनके लिए तुम अपना जीवन गंवा दोगे, और आखिरी टाइम में क्या जवाब दोगे परमात्मा को कि तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया था, तुमने ये काम किया? तुम्हें जीवन परमात्मा बनने के लिए दिया था, और तुम यहाँ पत्थर और पैसे के कागज के नोटों को पैसा समझते रहे, और नोटों को भी इकट्ठा ही तो करते हो। एक पागल की तरह कचरा इकट्ठा करता है, बोझा ढोता है, गंदे कपड़े पहने रहता है, और रात में ना जाने मच्छर मक्खियों के बीच सोता है। तुम भले मक्खन मक्खी और मच्छरों के बीच ना सोते हो, लेकिन तुम्हारी जो चिंताएं तुम्हें मच्छर मक्खियों से ज़्यादा परेशान करती हैं, तुम्हें रात को चैन की नींद नहीं सोने देती हैं। तुम्हारे गंदे मन के कपड़े हैं, जो तुमने मन को गंदा कर रखा है कसाईयों के द्वारा, चिंताओं के द्वारा, आकुलताओं के द्वारा। देखो कभी भी देखना, संत होगा उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आरामदायी मुस्कान होगी इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जब कमाने आया था वो कमा के जा रहा है, अपने आप को परमात्मा बना कर जा रहा है।
परमात्मा कोई माला फेरने से नहीं मिलता है, परमात्मा सिर्फ कलश ढालने से भी नहीं मिलता है। लोग कहते हैं उपास करो, भूखे रहो तो परमात्मा मिलेगा। मैंने कहा परमात्मा बहुत प्रेम का नाम होता है, परमात्मा कोई विक्षिप्त या सजा देने वाला अपराधी नहीं है। वो ऐसे काम नहीं करता कि तुम भूखे रहोगे तो तुम्हें, लेकिन आत्मशक्ति के निरीक्षण का समय देता है। वो ये कहता अपनी शक्ति को पहचानो। जिंदगी में दो रोटी खाता है, सारी दुनिया निगलना चाहता है, पहले युद्ध फिर विश्व शांति चाहता है, ऐसा मानव हो गया। दो रोटी नहीं खा पाता है और फिर परमात्मा की कृपा कहें, प्रकृति का व्यवस्था कहें कि चिड़िया को भी भूखे नहीं सुलाता है। लेकिन आदमी है, सोते सोते जिंदगी गवा देता है और जब जागरण का अवसर आता है तो मौत आ जाती है। मौत के समय जागता है, फिर तुम्हारे पास एक समय की मोहलत नहीं होती है। इस जीवन की ऊर्जा को बहुत आनंद में, प्रमाद में नहीं, प्रसाद में गुजारो। परमात्मा से कहो कि मैंने कुछ नहीं किया था, तुमने इतनी अच्छी जिंदगी दी, एक क्षण भी विषाद चिंता में नहीं गुजारूंगा, तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारा काम करूंगा, तुम जैसे पथ पर चलूंगा, जोड़ा बहुत है अब छोड़ूंगा। धन मत देना, धन तो तुम नहीं देना क्योंकि हर लोग धन नहीं दे पाते हैं, लेकिन कम से कम परमात्मा के गुणों को समय दो। माला फेरते हो, मन को फेर लो जरा सा, क्योंकि माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। किताबों के, पुराण के, कुरान के, इनके पेज पलटते रहते हो, इनके शब्दों को रटते रहते हो और सोचते हो ज्ञान हो गया। अरे तोते की तरह रटने से राम 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 नहीं हो जाएगा। लोग कहते किताबें पढ़ो, मैंने कहा ठीक है किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन किसके लिए? वो सिर्फ पेट भरने की कला के लिए किताबें पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ जिनवाणी का मनन चिंतन कहा है, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे, बार बार मनन करेंगे तो वो माला की तरह हो जाएगी, हमें बार बार याद आएगी कि सब करने के लिए नहीं आए थे। कहते थे आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, फिर भी लोगों ने बड़ी भ्रांति फैला दी है, एक घंटे माला फेरो, 11 माला फेरो, 15 माला फेरो। मैं कहती हूँ माला कम फेरो चाहे, लेकिन अपने आनंद के क्षणों को फेरो। जब आए थे तुम्हारा कितना सुवासित क्षण था, तुम आए थे मुट्ठी में बहुत संभावनाएं लेकर आए थे, क्योंकि तुम्हें लोग प्यार करते थे, तुम्हें खिलाते थे, तुम्हें मुस्कान दिलाते थे, और बुढ़ापे तक तुम्हारी सारी मुस्कान खो गई। तुम्हारे चिंता का कहते हैं कब्र बनकर तुम मर रहे हो। अरे जलोगे तो पता भी नहीं चलेगा। आदमी कितना बेईमान है, परमात्मा के लिए एक दिन टाइम नहीं निकालता है, जब मर जाता है, सुनने वाला चला जाता है, तब बेईमान लोग पीछे से कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। यहाँ रोज कहता है गुड मॉर्निंग, यहाँ तो मॉर्निंग क्या, अरे सुबह क्या प्रभात होती है। हमारे यहाँ तो सुप्रभात राम राम से होती थी, जय जिनेन्द्र से होती थी, महावीराय नमः से होती थी, कि ताकि हमारे मुख में परमात्मा का नाम हो, परमात्मा का स्मरण हो, परमात्मा की जिज्ञासा हो। आज हमारे जीवन में जिज्ञासाएं खो गई हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, विज्ञान ने, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा विस्मय खत्म कर दिया। आज पश्चिम की सभ्यता ने हमें खोखला कर दिया। कितना विस्मय था, आश्चर्य था, संभावनाएं थी। किसी बच्ची का सगाई होती थी, किसी बच्ची की तो एक ये थी, ना जाने कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, अदब मर्यादा थी। उन लोगों को भी लगता था कि बच्ची है, अच्छे से रखना है। इधर वालों को भी कहते थे कि उस घर को अपना मानना। आज सारी संभावनाएं, सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। आज पति पत्नी शादी के पहले इतनी बातें कर लेती हैं कि बाद में तो माथा ही फोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता तो जीवन भर चलता था। अब प्रेम पहले, विवाह बाद में तो तवाए तवाए जिंदगी, फिर क्या है। और मैं कहती हूँ विस्मय मत खोना। विस्मय हर चीज़ में विस्मय था कि बारिश हो रही है, परमात्मा की कृपा है,
कुछ हो रहा है। आज विज्ञान ने सब बता दिया, कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कितनी डिग्री गर्मी होगी। आज सारा विस्मय खो गया, परमात्मा के प्रति हमारी आस्था का भाव खो गया। आज लोग पत्थर समझने लगे परमात्मा को। अरे परमात्मा भले वो पत्थर का हो, पत्थर समझोगे तो सिर्फ पत्थर तुम्हें मालूम है, पत्थर क्या सिर्फ फोड़ने के काम आएगा। और आज लोग वही कर रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर में मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, झूठ बोल रहे हो उनके सामने, झूठ बोल रहे हो जो कि जानते हैं कि तुम्हारी कोई बनी उनी नहीं है। परमात्मा से तुम्हारी कब बनी है? जितने तुम अपने नाती पोतों को देखकर मुस्कुरा लेते हो उतना परमात्मा को देखकर मुस्कुराहट आती है क्या? उनको देखकर भाव आता है कि नहीं? आप जैसा बनना है, तुम इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े से बड़े अफसर। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का पांचवा कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।